हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं? स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं हरेले की मिट्टी लेने, क्योंकि हरेला आने वाला है और अभी थोड़ी आ रही धूप। तो मैं, बगल में आंटी जी और नीचे भाभी, हम लोग जा रहे हैं हरेले की मिट्टी लेने, क्योंकि धूप आ रखी है और हरेला बोना होता है। फिर मौसम, यहाँ नैनीताल का मौसम कब बिगड़ जाए कोई पता पता नहीं नहीं चलता है ना मेरे दोस्त। तो मैं पर मैं नहीं जा जाऊँगी, सकता, मैं नहीं जा सकता, मुझे इसको भी देखना पड़ेगा, इसको देखना लप्पू सिंह पड़ेगा, को। ये हमारे लप्पू सिंह को देखना पड़ेगा। हेलो लप्पू सिंह। तो दोस्तों, इसका भी न्यू चैनल बन चुका है, हम उसमें वीडियो डालेंगे, तो उसको भी सब्सक्राइब करना। बेस्टी हसू है उस चैनल का नाम, बेस्टी हसू है इनके चैनल का नाम। तो ये डालने वाले हैं दोनों भाई इसमें वीडियोज, और आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। पर दोस्तों, अभी वीडियो में डाले तो अभी मत कर, अभी भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं हरेला लेने के लिए, और आज ना यहाँ पे बंदर लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप देखिए, हम जा रहे हैं वीडियो लेने, और हम तो फ्रेंड ये आ गया मेरा उतावला, इसको ना बहुत बेचैनी है। लप्पू सिंह, लप्पू सिंह को, लप्पू सिंह हमारे एमए ने इसका नाम रखा है, लप्पू सिंह, हप्पू सिंह, हप्पू सिंह, लप्पू सिंह। अब देखिए, जैसे कि हरेला बोते हैं 2 दिन, जिसका 10 दिन का कटता है और जिसका कटता है 11 दिन का। हमारा है 11 दिन वाला है, तो हाँ, और हम बोएंगे हरेला 6 तारीख को, और जिसका 10 दिन तो हम, हमारा है 11 दिन वाला, तो हम बोएंगे 6 तारीख को, 6, और जिनका 10 दिन वाला है वो बोएंगे 7 तारीख को, और 6 और 7 तारीख को हरेला बोया जाएगा। हरेले में जो होते हैं 7 अनाज बोए जाते हैं, और 7 अनाज हम लोग बोते हैं 3 बार, साल में हमारा 3 बार हरेला आता है। 2 बार आता है नवरात्र, जो नवरात्र होती है, चैत्र नवरात्रि और असोज की नवरात्रि, उसमें बोते हैं हरेला। हाँ जी, और एक है ये जो अभी आता है सावन के महीने में हरेला, ये सभी का आता है और इसको सभी लोग बोते हैं। और जो चैत्र वाला और वो वाला होता है दशहरे वाला, तो किसी किसी का होता है जिसका चला हुआ होता है, तो हमारा ये शुरू से ही चला आ रखा है। मायके में तो मेरे नहीं है, बट यहाँ पे बोते हैं, तो मैं उसके लिए मिट्टी लेने जा रही हूँ। नैनीताल में बेटा सब लोग नहीं बोते हैं, हर किसी नैनीताल। तो फ्रेंड, मैं लेने जा रही हूँ मिट्टी, देखते हैं मिट्टी कैसी हो रही है, सूख रखी है या गीली हो रखी, क्योंकि बारिश काफ़ी है और वीडियो फोन में बैटरी भी कमी है, देखते हैं कितनी वीडियो बन पाती है। तो आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा, हम चलते हैं मिट्टी लेने। तो दोस्तों, ये हम मम्मी जा रही मिट्टी लेने, और हम रहेंगे घर में, फिर हम बल्ले बल्ले पार्टी करेंगे, हंसू बल्ले बल्ले लप्पू सिंह। तो दोस्तों, हम मम्मी मिलती है हरेला लेने के बाद। आवाज बंद कर दूंगी मैं। कहाँ जा रहे हैं हम आज हरेले की मिट्टी लेने? नैनीताल में है करके हम मिट्टी भी लाते हैं, ऐसा भी नहीं है ना जी। अभी देखेंगे हम कैसे मिट्टी ला खोदते हैं और कैसे लेके आते हैं। ये नहीं कि हमारे खेत नहीं है तो हम काम नहीं करते, फूल के गमले भी हैं हमारे, वहाँ खेत भी है ना हमारे। हाँ, और हम त्योहारों में हम ये सब काम करते हैं। और हम जा रहे हैं मिट्टी लेने अभी, और दिखाएंगे हम आपको कैसे मिट्टी खोदते हैं। जंगल गए हैं हम, आप भी अगर जंगल आ रहे हो तो आ जाओ हमारे साथ। दोस्तों, अब चढ़ गए हम भेड़े में, पहाड़ी में चढ़ गए, बहुत ऊंची पहाड़ी है, गिरना मत, हाँ आराम से। पकड़ो पकड़ो, यहाँ पे और फिसलने का, क्योंकि नैनीताल में बहुत सारी हो रही है आजकल बारिश। और अब हम खोदने वाले हैं यहाँ से मिट्टी, तो हम यहाँ पे खोद रहे हैं बाज के पेड़ की जड़ से मिट्टी। बाज के पेड़ की जड़ की मिट्टी अच्छी होती है ना, काली काली, और यहाँ पे पत्थर भी नहीं है। और ये मिट्टी हम डालेंगे, इसमें बोएंगे हम हरेला। तुलसी के पेड़ और हरेले दोनों के लिए साथ मिट्टी चाहिए। अरे हाँ, अभी तुलसी के लिए भी तो चाहिए होती है, दोनों में काम आ जाएगी। सो गाइस, वहाँ पे ना मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि बहुत सारे लंगूर बंदर आ गए थे। और देखिए आज कितनी अच्छी धूप आ गई, शाम के वक्त तौलिया ले गया ना, कपड़े फैला दिए, और लंगूर भी बहुत आ गए हैं। वहाँ भी बहुत लंगूर और बंदर थे, यहाँ पर भी लंगूर बहुत आ गए हैं, और भड़म 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 आवाज़ आ रही है छतों में। तो मैं लाई कट्टे में, मिट्टी में पूरा कट्टा भर के लाई,
हमारा तो यहाँ पे रहा खेल। हर्षी आप क्या कर रहे हो? हर्षी हेलो, बाप रे